पर भी हमारे 30 कार्यकर्ता शहीद हो गए हैं, 30 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट। मैं आप सबको इतना ही आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा जी अभी उनका तर्पण करने गए हैं, मैं कर गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में हमारे कार्यकर्ता का लहू जो बहा है वो रंग लाएगा और यहाँ पर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए हर कार्यकर्ता कटिबद्ध। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ, पूरे देश में जहाँ जहाँ जाता हूँ, मोदी जी ने जो धारा 370 को निरस्त किया, इसके लिए जनता सर्वदूर मोदी जी का अभिनंदन कर रही है। और ये तो बंगाल की भूमि है, धारा 370 और बंगाल का चोली दामन का रिश्ता रहा है, क्योंकि इसी बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की धरती पर नारा लगाया था, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। और मित्रों, ये बंगाल के महान सपूत भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट किया गया, जेल में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु श्यामा प्रसाद जी की सहित कांग्रेसी सोचते थे कि यहाँ पर मामला समाप्त हो गया, मगर उनको